नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल ई कंसल्टेंसी में। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपने आज के टॉपिक पर आ जाते हैं, जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कितना ज़रूरी होता है, कैसे मिलता है और आखिर इसकी ज़रूरत क्यों होती है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ट्रेडमार्क होता क्या है। आप अगर ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्हें हम लोग ब्रांड्स कहते हैं, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, चाहे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में चले जाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाइए, चाहे आप एजुकेशन में चले जाइए, कोई भी सेक्टर यहाँ पर हो सकता है, आप उन्हें ब्रांड्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग इसी तरीके से की होती है। अब यहाँ पर उसका ट्रेडमार्क से क्या लेना देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने देखा होगा कि LG का लोगो होता है या किसी कंपनी का, ऑडी का, BMW का, या हम लोग बात कर लेते हैं सैमसंग का, एप्पल का, तो आपने देखा होगा उनके लोगो के ऊपर TM और या फिर R का एक साइन होता है, ठीक है, सर्कल में आपने देखा होगा। तो उससे ये रिप्रेजेंट करता है कि इनका जो ये लोगो है ये इनका ट्रेडमार्क है। तो आपकी NGO है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक लोगो आप बनवाइए, ठीक है। अगर आपका लोगो है तो उसे रजिस्टर्ड करवाइए ट्रेडमार्क में। अब बेनिफिट मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ। बेनिफिट उसका ये होता है कि आपकी जो NGO है, आपकी जो संस्था है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, कोई भी हो, ठीक है, उसको अगर आप अपनी ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लेते हैं तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि जब आप कल को ग्रो हो जाएंगे, कल आप बड़े हो जाएंगे या आप बहुत सारा काम कर रहे हैं अपनी संस्था में, तो अगर कोई व्यक्ति आपके नाम की सेम संस्था रजिस्टर करा लेता है या आपके जैसे लोगो बनाता है या डुप्लीकेसी करने की कोशिश करता है या फिर आपकी गुडविल को, रेपुटेशन को ख़त्म करने की कोशिश करता है। देखिए, जब आप मार्केट में बड़े होंगे, जब आप ग्रो करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब एनिमीज़ आपको बिना कह सकते हैं, आपको बिना जाने बनते चले जाते हैं, बट आपको नहीं पता होता है कि ये लोग आपको कहाँ पर आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए हम लोग उसको साइड कर देते हैं। बट यहाँ पे मेन जो पर्पस होता है वो ये होता है कि जो आपकी रेपुटेशन है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है, उसको आप कैसे सेफ गार्ड कर सकते हो ऐसे प्रॉब्लम से, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इसीलिए होता है कि जो लोगो है आपकी NGO का, ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे स्कूल है आपका, कॉलेज है, आप एक NGO ही, सोसाइटी, ट्रस्ट, कुछ भी आप रन कर रहे हो, वहाँ पे अपनी NGO का आप ट्रेडमार्क ज़रूर करवा लें। क्यों? पहला बेनिफिट आपको यही है कि आपको एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है, उसके जैसा आपको कोई दूसरा व्यक्ति कॉपी नहीं कर सकता। सेकंड, इन केस अगर कोई कॉपी कर लेता है तो वो जो भी इनकम करेगा या जो भी उसने ऐसा कुछ काम किया होगा तो उसकी रॉयल्टी वो आपको पे करेगा और आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हो, आप कह सकते हैं लीगल एक्शन उसके खिलाफ ले सकते हो, ठीक है। मेजर बेनिफिट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ये होंगी। एंड थर्ड बेनिफिट ये होगा कि जब आर या टीम आपके लोगों के ऊपर लिखा होगा तो जो लोग होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, अगर आपका स्कूल है वहाँ पर देखते हैं या कोई आपका इंस्टीट्यूशन चल रहा है वहाँ पर देखते हैं, तो उनको अट्रैक्शन होता है वहाँ से। अट्रैक्शन मतलब मन में आता है यार ये तो ब्रांडेड है, ठीक है। हम लोग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं वहाँ पर उसकी ब्रांडिंग चेक करते हैं, सर्टिफिकेशन देखते हैं, तो ये कॉमन चीज़ें होती हैं जो हम लोग देख करके अपने आसपास नोटिस करते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ही बेसिक सा इसका रजिस्ट्रेशन होता है जो आपको स्टार्टिंग में ही करवा लेना चाहिए, चाहे आपकी NGO एक हफ्ते पुरानी हो, चाहे वो 4 दिन पुरानी हो। अगर आपने लोगो डिसाइड कर लिया, नाम डिसाइड कर लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन तो ज़रूर ही करवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो एप्लीकेंट है यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन हेड हैं, ट्रस्टी हैं या प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए होता है। सोसाइटी है, ट्रस्ट है या आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड बायलॉज रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। एंड जो ऑथराइज पर्सन है, जो प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर होंगे आप उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनका डिजिटल सिग्नेचर एंड जिस लोगों का, जिस मार्क का आप लोग रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो लोगो आपका रिक्वायर्ड होता है। और उसको आप ऐसा बनाइए जो यूनिक हो। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांड सिक्योर हो जाए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई डुप्लीकेसी ना कर सके, आपकी रेपुटेशन को कोई ख़राब ना कर सके, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिएगा। अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी द्वारा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना है तो स्क्रीन पर नंबर है, आप डायरेक्ट कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ़ीस के बारे में मैं आपको बता दूं तो गवर्नमेंट की फ़ीस 4,500 रुपये है उन लोगों के लिए जिनका MSME का रजिस्ट्रेशन है, और जिनका MSME का रजिस्ट्रेशन नहीं है उनके लिए गवर्नमेंट फ़ीस 10,000 रुपीज़ पे करनी होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे होगी। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलिए आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और कोई क्वेश्चन है मन में आपके तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश ज़रूर करूँगा।